हमने पारिवारिक तरीके से शादी की थी। मैं ऑफिस के काम से देर से घर लौटता था। एक दिन तानिया और मैं एक बिजनेस ट्रिप पर घर से बाहर जा रहे थे। तभी मेरे पापा ने कहा, राहुल तुम्हारे पास 200 रुपए होंगे? अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, याद आए बचपन के कुछ अंश। पापा से मैंने कहा था, पापा 5 रुपए होंगे। पापा ने पूछा था, क्यों? मैं 5 रुपए का क्या करूंगा? मैं एक क्रिकेट बॉल खरीदूंगा खेलने के लिए। सभी दोस्तों ने 5 रुपए का चंदा जमा किया था नई गेंद खरीदने के लिए। ये बात सुनकर पापा ने 5 की जगह 50 रुपए दिए और कहा, जाओ तुम खुद के लिए एक बॉल खरीद लो। जिस दिन मैं नई गेंद लेकर मैदान पर गया, मेरा सीना गर्व से भर उठा। अपने लिए नहीं, मेरे मिडिल क्लास पापा के लिए। पापा भले ही आर्थिक रूप से मध्यम वर्ग के हों, लेकिन खुद कुछ न पाकर हमें सब कुछ दिया है। समय कितनी तेजी से बीतता है। हाँ, आज मेरे पापा अपनी छोटी सी नौकरी नहीं करते। मुझे नहीं पता क्यों इतना कष्ट हुआ। मेरे मनी बैग में करीब 5,000 रुपए थे। पापा को 500 रुपए के 4 नोट्स मैंने दे दिए। तभी तानिया ने मेरे हाथ से मेरे पैसे के बैग के साथ नोट्स भी ले लिए। मैं इस घटना से अचंभित स्तब्ध हो गया। आज हमारी शादी के 6 महीने हो चुके हैं। इन कुछ दिनों में वो बहुत अच्छी इंसान लग रही थी, जो मेरे परिवार को अपने परिवार के रूप में स्वीकार कर रही थी। लेकिन ये क्या, मैंने उसको पहचानने में क्या गलती की? उसके बाद जो भी हुआ, मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तानिया ने बैग में जितने भी पैसे थे उसमें से सिर्फ 100 रुपए रख के बाकी पूरे पैसे पापा को सौंप दिए। पापा ने कहा, अरे पागल, मैं इतने पैसे का क्या करूंगा? तानिया ने उत्तर दिया, बाहर जाइए, आपके दोस्तों के साथ घूम आइए थोड़ा, और जो मन हो खा लीजिएगा। मेरे हाथ में मेरा बैग वापस देने के साथ तानिया ने कहा, सुनो, मम्मी पापा को फिर कभी पैसे ना मांगने पड़े। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने आंसुओं को छिपाने के लिए तेजी से बाहर निकला। जीवन में दूसरी बार मेरा सीना गर्व से उठा। पूर्ण सम्मान और प्रेम के साथ तानिया का हाथ जब मैंने पकड़ा, तो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा धनी लग रहा था। जब अपनों के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, तो इतना रुपया पैसे का क्या मोल, क्या ही संपत्ति है। इंसान का प्यार छोड़कर बाकी सब 4 दिन की बस चांदनी है और कुछ नहीं। दुनिया में शायद कई पत्नियां हैं जो संतान को उसके माता पिता से दूर रखना चाहती हैं, और तानिया जैसी कई पत्नियां हैं जो अपनी सास ससुर के लिए माता पिता जैसा प्यार रखती हैं। खुशी और मस्ती करना मतलब सिर्फ महंगे रेस्टोरेंट में खाना या आईफोन या महंगे ब्रांड के कपड़े जूते ये सब ले लेना नहीं है। माता पिता और परिवार के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान और परिवार के लिए दिल से प्यार होना ही काफी है।